फ्रेंड्स, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी एलईडी बल्ब को रिपेयर कैसे करें। उस वीडियो में 3 मिलियन प्लस व्यूज हैं। तो फ्रेंड्स, उस एलईडी बल्ब में डीओबी प्लेट लगाई थी। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि प्लेट है ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि आपका एलईडी बल्ब ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एलईडी बल्ब के डिफ्यूज़र को खोल लिया है। अब इस हीट सिंक प्लेट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे निकालने के लिए मैं इस स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस हीट सिंक प्लेट को बाहर निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स, अब इस सर्किट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे निकालने के लिए आप सोल्डरिंग आयरन का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस प्लायर की मदद से इसे बाहर निकाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इस सर्किट को बाहर निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, ये सर्किट अभी हमें काम में आने वाला है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो शोल्डर दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं छेद करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊँगा जो छेद करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों शोल्डर पर पेस्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह आपको दोनों पर पेस्ट अच्छी तरह से लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पेस्ट है लगा लिया है। अब इस शोल्डर को हम यहाँ पर इस तरह हटा लेंगे। तो आप यहाँ पर फ्रंट आप देख सकते हो, इस तरह आपको शोल्डर को हटा लेना है। हटाने के बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर लेना है जो कि बहुत पतला हो, और उसे इस तरह से रख कर इसे नीचे की तरफ प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर छेद है वो कर लिया है। अब दूसरे में भी छेद करने वाले हैं, उसमें हम दूसरे तरीके से छेद करेंगे। तो आपको एक आयरन लेना है, आयरन को इस तरह से रख लेना है, और इस तरह रखने के बाद आपको स्क्रू ड्राइवर को प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा छेद है वो हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे दोनों छेद है वो अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दो तारों को इसमें लगाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसमें तारों को हम लगा लेते हैं। तो दोनों तारों पर मैं यहाँ पर पेस्ट है वो लगा लेता हूँ। तो इस तरह आपको पेस्ट है वो लगा लेना है। अब इन दोनों तारों पर हम सोल्डर लगा लेते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हो, इस तरह आपको शोल्डर लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों तारों पर हमने शोल्डर लगा लिया है। अब इस तार को हम एलईडी बल्ब से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपको बाहर निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो हमने जो तार को ऊपर की साइड बाहर निकाल लिया है। तो इस तरह से आपको तार को मोड़ देना है। अब मोड़ने के बाद हम आयरन से इसे शोल्डर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से शोल्डर को लगा लेना है। तो इस तरह आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने शोल्डर लगा लिया है। तो इसमें और शोल्डर लगाने वाले हैं क्योंकि कम है। तो यहाँ पर हम शोल्डर वायर लेकर इस तरह से आपको यहाँ पर रखना है। रखने के बाद आपको आयरन को आगे पीछे करना है ताकि जो उसकी जो शेप है वो अच्छी तरह से आ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह आपको कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और शोल्डर ले लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा कम है। तो इस तरह से आपको रखना है और आगे पीछे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो नया एलईडी बल्ब आता है उसी तरह हमारा जो शोल्डर है हो गया है। तो इसी तरह हम दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो शोल्डर है वो अच्छी तरह से हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये हीट सिंक प्लेट है तो हम इसे यहाँ पर एलईडी बल्ब में लगा लेते हैं और दोनों तारों को इस प्लेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपको दोनों तारों को इस प्लेट से बाहर निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों तारों को इस प्लेट से बाहर निकाल लिया है। फ्रेंड्स, ये डीओबी प्लेट है डायरेक्ट ऑन बोर्ड, जो कि 220 वोल्ट पर डायरेक्ट सप्लाई में लगाई जाती है। तो इसे हम लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसे लगा लेते हैं और दोनों तारों को इस डीओबी प्लेट से बाहर निकाल लेते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने दोनों तारों को इस डीओवी प्लेट से बाहर निकाल लिया है। अब आपको यहाँ पर दो छेद हैं जो दिखाई दे रहे होंगे, उनको यहाँ पर हीट सिंक प्लेट से मैच करना है और मैच करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करके कस देना है ताकि जो आपकी जो हीट सिंक की जो प्लेट है वो डीओवी प्लेट से अच्छे से चिपक जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्क्रू को यहाँ पर इस तरह से कस लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डीओवी प्लेट को हीट सिंक की प्लेट पर फिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये सर्किट है जो हमने इस एलईडी बल्ब से निकाला था, इस सर्किट में से मैं इस एमओवी को निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर की जो एमओवी दिखाई दे रही है आपको इसे इसमें से निकाल लेना है। फ्रेंड्स ये एमओवी है जो प्रोटेक्शन का काम करेगी, इससे यह हमारी जो डीओवी प्लेट है वो जल्दी ही ख़राब नहीं होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस एमओवी को सर्किट से बाहर निकाल लिया है। अब इस एमओवी को हमें इसमें डीओवी प्लेट में लगाना है जहाँ पर एन और एल लिखा हुआ है वहाँ पर आपको इस एमओवी को लगा लेना है और दोनों साइड से आप किधर से भी लगा सकते हो उल्टा सीधा। तो यहाँ पर मैं इसे सोल्डर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एमओवी को सोल्डर कर दिया है। अब जो तार है हमारे जहाँ पर हमने एमओवी लगाई है वहीं पर हमें इन तारों को भी लगा लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इन तारों को भी यहाँ पर हम सोल्डर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने तारों को शोल्डर कर दिया है, जहाँ पर एल और एन लिखा हुआ था वहाँ पर तारों को शोल्डर किया है और वहीं पर मैंने एमओवी को भी शोल्डर कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे अब टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 220 वोल्ट की सप्लाई है और मैं इस बल्ब को यहाँ पर इस होल्डर में लगा लेता हूँ और इन तारों को मैं सॉकेट में लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो एलईडी बल्ब है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। जो आपको ये ब्लिंकिंग दिखाई दे रही है वो कैमरे में दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस डिफ्यूज़र को इस एलईडी बल्ब में लगा लेते हैं। फ्रेंड्स आपको जो ब्लिंकिंग दिखाई दे रही है तो मैं इन लाइटों को ऑफ कर लेता हूँ तो आपको फिर दिखाऊँगा कि जो ब्लिंकिंग है वो दिखाई नहीं देगी। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल भी ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।